Good morning, everyone. I am maths teacher of your school. My name is Rashmi, and from today we are going to start our online classes. So in online classes for the chapter number 1 we are going to discuss today. So class, you have a chapter number 1 which name is integers. सो इंटीजर्स आर वॉट, बेसिकली यू शुड नो वॉट इज़ मीनिंग ऑफ इंटीजर्स. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर्स का मतलब क्या होता है. आप सभी ने नंबर्स पढ़े होंगे ना इससे पहले की क्लासेस में. नेचुरल नंबर पढ़ा होगा आपने. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी. कोई एंड नहीं होता काउंटिंग का. लाइक यू डोंट हैव अ एंड ऑफ द काउंटिंग, सो यू डोंट हैव अ एंड ऑफ अ नेचुरल नंबर एट ऑल्सो. सेम विद द नेक्स्ट वन वॉज होल नंबर. होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे क्योंकि इसकी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है. सेम नाउ वी हैव अ इंटीजर्स. अब इसी तरीके से इंटीजर्स होते हैं. अब आप देखो कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, इन दोनों में ही आपके एक भी नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर मतलब कभी भी कोई चीज़ कम से भी ज़्यादा कम. अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ठंड होती है तो टेम्परेचर गिरता है, तो वो ज़ीरो से भी कम चला जाता है. सुना होगा ना वर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस में नंबर आते हैं. तो वो नंबर कौन से होते हैं? दे आर द व्हाट, विच टाइप ऑफ नंबर दे आर? दे आर द नंबर्स विच आर कॉल्ड इंटीजर्स. इंटीजर्स इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स एंड प्लस नेगेटिव्स ऑल्सो. सो -1, -2, -3, -4 एंड हाउ मेनी इट कैन बी, और 0 भी, 1 भी, 2 भी, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे आपके? दीज ऑल आर कॉल्ड योर इंटीजर्स. ये और फिर नेगेटिव्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स आर कॉल्ड योर इंटीजर्स. ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स. इज दैट क्लियर? सो इंटीजर्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. आपको इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना याद होगा. आपको इंटीजर्स वाला चैप्टर आपका 6th क्लास में भी था, 6th चैप्टर था. आपने सभी बच्चों ने किया होगा प्लस माइनस कैसे करते हैं. इस साल भी आप ऐसे ही इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखोगे, मल्टीप्लाई करना सीखोगे, नंबर लाइन पे शो करना सीखोगे. सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द इंटीजर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर इज, सबसे पहले एडिशन अगर हम करते हैं, दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट. देखो, कभी भी दो नंबर्स है, एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो उसको हमेशा हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन आएगा आपका बड़े वाले का. साइन इज ऑफ बिगर वन. ओके, देन आफ्टरवर्ड सेम यही चीज़ अपोजिट कर दूँ. अगर मैं प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस, बट फिर से वही चीज़ आएगी आपकी, साइन बिगर वन. ठीक है, ये सभी बच्चों को ना नोटबुक पे अपनी फर्स्ट पेज, जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो उसका फर्स्ट पेज आप जो लिखोगे, यू हैव टू राइट दिस एडिशन. ऐसी हेडिंग डालनी है, ऐसे ही प्लस माइनस और माइनस. माइनस क्या होता है आपका? प्लस, बट साइन हमेशा माइनस का रहेगा. साइन हमेशा किस चीज़ का रहेगा? माइनस का. अब ये क्यों होता है ये भी देखते हैं. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स विद एन एग्जांपल. लाइक द फर्स्ट फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज प्लस माइनस. लाइक आई हैव टू नंबर्स, 7 प्लस का है, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता, देयर इज अ प्लस. देर इज़ नो साइन इन फ्रंट ऑफ द नंबर, मीन्स देर इज़ अ प्लस. ओके, देन -2, तो क्या हो गया? ये तो बहुत सिंपल सी सब्ट्रैक्शन है ना. 7 - 2, दैट इज 7 - 2 मीन्स वॉट? 5. सो जस्ट यू कैन राइट इट डाउन 5. अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, माइनस प्लस, अब ये वाला हो गया ना आपका माइनस प्लस. सिर्फ मैंने क्या किया है, 2 को इधर ले आई और 7 को दैट साइड. सो 2 वॉज ऑफ नेगेटिव एंड 7 वॉज ऑफ प्लस. सो वी कैन राइट इट डाउन दिस ऑल्सो. क्या है ये? माइनस प्लस माइनस, यानी कि करना तो सब्ट्रैक्ट है आपको. 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे. 2 में से तो हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है.
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5, 7 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट किया आंसर आया 5, बट साइन इज़ ऑफ बिगर वन. साइन इज़ ऑफ बिगर वन का मतलब इन दोनों में से सबसे बड़ा डिजिट देखेंगे. बिग वन डिजिट इज़ विच वन? 7 इज़ अ बिगर नंबर देन ऑफ द 2. 2 से बड़ा 7 है. 7 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का. सो द आंसर विल बी 5. बोथ द वेज वी हैव आंसर सेम. सो ये क्या था, 7 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, देन आफ्टर वर्ड यू हैव टू डू इट. 7 सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल भी वही चीज़ आपकी आ गई. अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखूँ, माइनस का 7 और प्लस का 2. आई जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, आई हैव जस्ट रिवर्स द नंबर्स आर साइन ऑफ दैम. सो प्लस माइनस फिर से वही बात आ गई. प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, साइन माइनस साइन बड़े वाले का होगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. तो बस एक चीज़ याद रखना, एक साइन प्लस का देखो और एक माइनस का. सो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, इन दोनों को माइनस कर दो. 7 में से 2 गया, क्या आएगा? 5. अब साइन कौन सा लगेगा ये देखेंगे. वी हैव टू जस्ट वॉच विच वन साइन विल कम टू इट. सो साइन विल बी ऑफ बिगर वन. बिगर वन कौन सी है? 7 बड़ी है. 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का. सो द आंसर विल बी माइनस 5. सी देखने में दोनों नंबर सेम है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन साइन द आंसर बिकम्स चेंज. तो ये मत सोचना कि सिर्फ माइनस का साइन नहीं लगाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. येस इट विल बी, बिकॉज जैसे ही माइनस का साइन लगाया ये नंबर नेगेटिव हो गया. आप सोचो आपके टेस्ट में 5 नंबर आए हैं और एक माइनस के 5 आए हैं. 5 और माइनस 5 में देर इज़ अ बिग डिफरेंस. माइनस 5 मतलब 0 से भी नीचे और 5 मतलब 0 से ऊपर. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस इज माइनस 5. दैट द थर्ड वन रूल इज़, थर्ड रूल इज़ वॉट,